हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफ़र की एक कहानी। आज की कहानी एक ऐसे ही छोटे से सफ़र की जिसमें मंजिल से यादगार तो उसका रास्ता है जो आपको देता है कभी न भूल पाने का एक हसीन एहसास। इस वक्त खड़े हैं हम देहरादून घंटाघर पे। ये देखिए देहरादून घंटा पर घर पे खड़े हैं और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट के लिए। मौसम ठीक हो रखा है तो जल्दी चलते हैं वहाँ से। फ्रेंड्स, देहरादून की एक बात तो है, जब भी यहाँ बारिश पड़ती है यहाँ का व्यू ही देखने लायक हो जाता है। ये भीगी हुई सड़कें और ये साफ सुथरी सड़कें, इन पर राइड करने का एक फील ही अलग होता है। और फिर ये चारों तरफ का व्यू, बहुत ही ज़बरदस्त एहसास होता है यहाँ पर जब भी आप यहाँ से निकलते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर रुक गए हैं, मैगी पॉइंट बोलते हैं इस जगह को, मैगी पॉइंट। और यहाँ से एक बार को जरा आप नीचे का व्यू देखिए, देखिए पीछे का व्यू क्या पता दिख रहा हो, क्योंकि मौसम थोड़ा धुंधला और कोहरे वाला हो रखा है। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके थे तो व्यू देखिए। अभी तो बहुत तेज धूप निकल रखी है यहाँ पे, बहुत ही तेज धूप हो रही है, वरना अक्सर यहाँ पे मौसम बहुत ही सुहाना रहता है। पर जैसे जैसे मुँह पर तेज जाते जाएंगे तो व्यू भी अच्छा होता जाएगा और मौसम भी बहुत प्यारा होता चला जाएगा। तो आ चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट के रास्ते पर। यहाँ से जॉर्ज एवरेस्ट का रास्ता है और रास्ता बहुत खूबसूरत है। जैसे ही हम ये एक मोड़ पे आए, यहाँ से एकदम अचानक से ही मौसम पूरा चेंज हो चुका है। आगे बादल है, कोहरा है और बहुत ही प्यारा व्यू हो रखा है। देखिए जॉर्ज एवरेस्ट यहाँ से भी 10 या 12 किलोमीटर दूर होगा, तो यही इसका रास्ता है। हम आ चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट, फाइनली जॉर्ज एवरेस्ट आ चुके हैं। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है पीछे का, ये देखिए ये घास के मैदान, ये पेड़। और अभी हम पैदल पैदल चल रहे हैं, पार्किंग पे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है फ्रेंड। अब यहाँ से हमें सीधा जॉर्ज एवरेस्ट के लिए पैदल ट्रैक है, तो हम पैदल चल पड़े हैं। बाकी अब ये नज़ारा देखिए, देखिए थोड़ा थोड़ा मनाली जैसा लुक आ रहा है यहाँ पे। तो ये जा रहा है पैदल पैदल ट्रैक जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ, देखिए ये जॉर्ज एवरेस्ट का ट्रैक, यहाँ से हम चल पड़े। देखिए कितना प्यारा हो रखा है व्यू और ट्रैक, पूरा मजा आ रहा है इस हाइट पे चलने पर। पूरे ट्रैक की तरफ हम जाएंगे। जॉर्ज एवरेस्ट में आपको पता कैसी फीलिंग आएगी, जैसे आप किसी रेने फॉरेस्ट में हो। वर्षावन, भीगी भीगी सड़कें, ऐसे डार्क से जंगल, देखिए ये डार्क से जंगल। अगर आपको भी जॉर्ज एवरेस्ट आना है तो जो मसूरी का रास्ता है, मसूरी से पहले एक जगह पड़ती है हाथीपाव, उसका इसका रास्ता वहीं से मुड़ता है। उस रास्ते पे मुड़िए और जॉर्ज एवरेस्ट आप पहुंच जाएंगे। यकीन मानिए इतना ऑसम लग रहा है ना यहाँ पे ट्रैकिंग करते हुए। थकान भी हो रही है पर मजा आ रहा है, मन ही नहीं भर रहा है। देखिए मौसम, देखिए कितना फॉगी हो रखा है, चारों तरफ फॉग फॉग है, बादल है, पता नहीं चल रहा कोई आप।
ये देखिए सारे ये हिल स्टेशन पे मिलने वाले पेड़ हैं, जो बहुत हाइट पे होते हैं वो वाले पेड़ देखिए। और ये फॉग चल रहा है, बोलते हैं ना हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, तो हम बोलेंगे जॉर्ज एवरेस्ट में फॉग चल रहा है। देखिए अब देखिए पीछे से कितना फॉग आ रहा है, एकदम कैसे बादल नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। देखिए नीचे से बादल ऊपर की तरफ आ रहा है, बहुत तेज हवा चल रही है एकदम। तो गाइस ये था हमारा जॉर्ज एवरेस्ट का ब्लॉग, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, नई वीडियो में, किसी नई डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए जय हिंद।